न्यू ईयर का सबसे पहला त्योहार होता है मकर संक्रांति, जिसको सिंधी में तिरमुरी बोलते हैं। और इस दिन हम तहरी बनाते हैं। तहरी सिंधियों का बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल डिश होता है, जो ना सिर्फ चेटीचंड के दिन बनाया जाता है, बल्कि शादियों जैसे पवित्र मौके पर भी। जब हम हल्दी का प्रोग्राम रखते हैं या उसके साथ में दूसरा प्रोग्राम होता है, उस दिन भी तहरी और साईबाजी ही बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है तहरी। तहरी बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने लिए हैं 300 ग्राम्स राइस, जिसको मैंने वॉश करके और सोक करके रखा हुआ है। लगभग 250 ग्राम्स गुड़ है, मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है। अगर आप सादा गुड़ लेते हैं तो उसका आपको पहले पानी में उसको डिसॉल्व करना होगा और फिर वो छान के यूज़ करना होगा। और मैंने ड्राइड कोकोनट के थोड़े छोटे पीसेस काट लिए हैं, द्राक्ष लिया है और सौंफ ली है। चावल के हिसाब से मैंने डबल पानी लिया है और थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ताहरी के लिए हमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है और थोड़ा नमक डालती हूँ, क्योंकि ताहरी बनाने के लिए गुड़ की ज़रूरत होती है और उसमें नमक डालने से ताहरी में टेस्ट अच्छी आती है। अब मैं ये गुड़ डालूंगी, आप देख रहे हैं इतने छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि खुद ही डिजोल्व हो जाएंगे। ये ड्राइड कोकोनट, जिसको सिंधी में डूंगी बोलते हैं, द्राक्ष और सौंफ भी मैं डाल देती हूँ। और जब तक इसमें बॉईल आए और गुड़ पूरा मेल्ट हो जाए, तब तक हम लोग वेट करेंगे। इसको थोड़ा हम मिक्स भी करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा, गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंधी की ट्रेडिशनल डिश है, जो मोस्टली चेटीचंड के दिन बनाई जाती है। और जब हम कोई भी वाटर बॉडी, नदी या तालाब या कहाँ पर भी जाते हैं, झूलेलाल के लिए हम लोग थोड़ा सा चावल लेके और अक्खो डालते हैं, तो ये ताहरी बनाई जाती है, जिसका प्रसाद हम लोग सबको बांटते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो उस दिन भी हम लोग ये ताहरी और साईबाजी बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिश है और आज का फेस्टिवल भी बहुत न्यू ईयर का फर्स्ट फेस्टिवल है। साईबाजी मैं पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब देखिए पानी बॉईल हो रहा है और गुड़ भी पूरा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। आप गुड़ के बदले शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शक्कर डालेंगे तो ताहरी का कलर वाइट हो जाता है, वो भी अच्छी लगती है। बट गुड़ की जो ताहरी बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है, कलर भी ब्यूटीफुल आता है। और आजकल गुड़ तो सबको पसंद है खाना, हेल्थ बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ के लिए शक्कर इतनी अच्छी नहीं है जितना गुड़ अच्छा होता है, तो इसके लिए गुड़ की ताहरी ही हमें बनानी चाहिए। वैसे भी विंटर में गुड़ खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और अब हम इसको वैसे ही कुक करेंगे जैसे सिंपल राइस हम कुक करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा पानी रह जाएगा, बाकी का एवेपोरेट हो जाएगा, तो हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे गलने तक रख देंगे। अब देखिए पानी बिल्कुल कम है। अब हम इसको लो फ्लेम करके इसको कवर करके रख देंगे, जब तक चावल पूरा सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए। ये देखिए तैयार है हमारी ताहरी, जिसको हमने साईबाजी और मूली के साथ में सर्व किया है।